हम तो बताएंगे, डंके की चोट पे खड़े होकर बताएंगे, मस्जिद के स्पीकर में खड़े होकर बताएंगे कि तुम हेलो एवरीबॉडी, सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, जहां भी हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे। एक सेकेंड। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। उम्मीद करती हूँ जहां भी हैं आप लोग सब लोग ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम है माहलीज, आप मुझे देख रहे हैं यूट्यूब पे और आप मुझको सुन रहे हैं ट्विटर स्पेसेस पे। मैंने कहा दोनों तरफ लाइव चले जाना चाहिए एक ही साथ, राइट, लाइक वाई वेज। तो एनीवेज, अगर आप लोग यहाँ आ ही गए हैं, जो लोग देख रहे हैं, मुझे दो तीन कमेंट्स यहाँ पे दिख रहे हैं, तो प्लीज जरा शेयर कर दीजिए, लाइक करना मत भूलिएगा वीडियो को। हम थोड़ा सा इंतजार करते हैं, लोग आना शुरू हो जाते हैं, फिर हम आज के टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। आज का टॉपिक है कि क्या इंडिया में दहशतगर्दी फैलाई जा रही है, और आई वुड से क्या काफिरों के दिल में दहशत डाली जा रही है, क्या डराया जा रहा है कि अगर आपने किसी चीज पे बात की तो ये आपका हशर होगा, यू नो। तो हमने बात की थी लास्ट टाइम कन्हैया लाल पे, आज नेट बहुत ही स्लो चल रहा है, सॉरी। घर पे मेहमान आए हुए हैं तो सब लोग इंटरनेट चला रहे हैं और हमारा इंटरनेट इतना हैंडल नहीं कर सकता है। सो उनके बाद एक और बंदे, एक साहब थे जिनका नाम था उमेश खोली, और वो कहाँ से थे, आई कैंट रिमेम्बर द सिटी नेम, अमृति आई गेस। सो एनीवेज, वो एक केमिस्ट थे, तो उनके ऊपर भी यही अभी तक जो स्टोरी पता चली है वो यही पता चल रही है कि उनके ऊपर भी यही था कि वो नुपुर शर्मा के ऊपर उन्होंने कोई पोस्ट लगाई थी और उनका कोई दोस्त ही था जिसने उनको हैंड ओवर कर दिया, यू नो। सो क्या अब लाइक आई डोंट नो, मगर क्योंकि इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस्लाम पे बहुत सारी बातें कर रहे थे, ठीक है। तो अमरावती, हाँ, तो जैसे कि आप देखते हैं कि बहुत सारे जो एक्स मुसलमान हैं, मेरा नहीं मगर जो बहुत सारे एक्स मुसलमान हैं जो हिंदुइज्म पे क्रिटिसाइज नहीं करते हैं, जिन्होंने घर वापसी कर ली है चंद लोगों ने, तो उनके पास ज्यादा से ज्यादा इंडियन हिंदूज ही बैठे होते हैं, सनातन धर्म वाले, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर मिक्स क्राउड आता है क्योंकि हम कभी कभार क्रिटिसाइज कर देते हैं, राइट, हिंदुइज्म पे। सो लोगों को बुरा लग जाता है, तो यहाँ से अनसब्सक्राइब करके वहां पे बैठे होते हैं। मगर मैं ये पूछ रही हूँ कि उन चैनल्स पे ज्यादातर जो एक्स मुसलमान होते हैं वो सिर्फ इस्लाम पे ही बात करते हैं, और उनकी मेजॉरिटी जो फॉलोइंग है वो हिंदूज हैं, सनातन धर्म वाले हैं। तो उसमें नीचे अगर आप कमेंट्स में देखेंगे तो उसमें हिंदूज बहुत कुछ बोल रहे होते हैं मोहम्मद जी के बारे में, आईडीज भी ऐसी बनाई हुई है, यू नो, उड़ने वाला प्रॉफिट या उड़ने वाला गधा या यू नो डिफरेंट डिफरेंट, यानी एक आईडी आप ऐसी बनाओ जो ब्लास्फेमी हो, जिस तो एनीहाउ। तो अब क्या होगा, लाइक हाउ इज दैट गोइंग टू अफेक्ट इंडिया नाउ, क्योंकि मैंने काफी लोगों से सुना है लेटली कि उन्होंने अपना डेटा डिलीट कर दिया है, ट्विटर पे से ट्वीट डिलीट कर दी हैं, वीडियोज डिलीट कर दिए हैं, इवन दो वो शक्ल नहीं दिखाते, नाम नहीं बताते, मगर लोगों को डर लगा हुआ है कि हम लोग यानी किसी को सपोर्ट करने पे जब गले काटे जा रहे हैं, तो अगर आप डायरेक्ट तौहीन करेंगे तो आपके साथ क्या हाल होगा, मीन वही हाल होगा आपका भी। सो क्या इंडिया में लोग जो हैं वो डर रहे हैं कि नहीं डर रहे हैं? हाँ, जो पता हो उस पे कॉमेंट करिए, हिंदुओं पे करिए, नॉट हिंदुइज्म पे। सही ना, मास्टर क्लास ही देखिए, यही चीज है, ये जो रिलीजियोसिटी हर बंदे के अंदर आ जाती है, राइट। तो जब मैं इसी वजह से किसी रिलीजन को नहीं फॉलो करती हूँ, चाहे वो धर्मा हो, चाहे वो बिलीफ सिस्टम हो, चाहे वो कुछ भी हो, उसको आप कुछ भी बोल दें, राइट। वो शायद टीचिंग तो पीसफुल हो मगर उसके फॉलोअर्स जो है ना वो पीसफुल नहीं रहते हैं, क्योंकि वो सिर्फ ये कहने के लिए, और हमको जो आर्ग्यूमेंट्स मिलते हैं आगे से, सबसे पहला आर्ग्यूमेंट यही मिलता है हमें जिहादियों से कि आपने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है, आपको तो कुछ पता ही नहीं है, जब आपको पता नहीं है इस चीज के बारे में तो आप इस पे कमेंट क्यों कर रही हैं, राइट। और मास्टर क्लास आपने वो ही बात बोलती है। नहीं मुझे पता हो या ना हो, मैं यहाँ हिंदुइज्म डिस्कस करने के लिए नहीं बैठी हूँ। मुझे पता हो या ना हो, मेरा दिमाग ये कहता है कि किसी सुपरस्टिशियस चीज को जिसको मैं नहीं देख सकती हूँ उस पे बिलीव करना मेरे लिए वो नॉर्मल नहीं है, मेरे लिए नॉर्मल नहीं है ना। ये कह देना कि आप उस पर कॉमेंट नहीं कर सकते हो, अब बैठो ना मास्टर क्लास जी, अभी आप लोगों को पता चलेगा ना। यही चीज आप चाह रहे थे ना, आप लोग चाह रहे थे कि कोई किसी भी चीज पे बात ना करे। हम भी बात नहीं करते हैं, ठीक है। और यही ब्लासमी लॉ ना आप लोगों को ले डूबेगा, क्योंकि हमने देखा इस ब्लासमी लॉ से पाकिस्तान में क्या हशर हुआ है। अब आप उसको किसी तरह भी ले लो, ठीक है। टीचिंग्स भी पीसफुल नहीं है महलीज मैम, हाँ तो टीचिंग्स पीसफुल हो या ना हो, बात यहाँ ये नहीं हो रही है, बात ये हो रही है कि अब लग गया है ब्लासमी लॉ, ठीक है ना। अब ना वो आपके हिंदूज के गॉड, सनातन धर्म के गॉड्स को कुछ बोलेंगे ना, आप कुछ बोलना उनके उसको, ठीक है ना। आराम से बैठना आप, या आज किसी ने बोला तो उधर वाले सर कलम करेंगे, आप लोग क्या करेंगे फिर? आप लोग भी जाके सर कलम करेंगे। दिस इज व्हाट यू वांट टू डू। See, there is no simple answer to this. इसमें कोई नहीं जीतने वाला है, इसमें दोनों ही हारेंगे, दोनों साइड से ही हारेंगे। आप चाहे इस तरफ जाओ तो हारोगे, आप तरफ इस तरफ जाओ तो हारोगे। ये आपके ब्लासमी लॉ अगर आप रखते हैं, ठीक है, ब्लासमी लॉ अगर आप रखते हैं तो कितने लोग अरेस्ट हो सकते हैं इस चीज के ऊपर? इमेजिन करो यार, साहिल की उस पे जाए आप जरा, वहां पे थाउजेंड्स देख रहे होते हैं इंडिया से, लाइक 3,000, 5,000। आज मैं एक बंदे को देखो, एक सुलेबानी जलेबी के नाम से एक चैनल बना हुआ है, 3,000, 4,000, और मेजोरिटी उसमें कौन देख रहे होते हैं? सनातन धर्म वाले। आई वुड से 80% मे भी, शायद 20% मुसलमान देखते होंगे। सच वाला का चैनल उठा लीजिए, कौन है वहां पे मेजोरिटी? कौन बैठा हुआ है? और नीचे क्या कमेंट्स हो रहे होते हैं इस्लाम पे? तो क्या उन सबको अब अरेस्ट करना चाहिए क्योंकि वो ब्लासमी कर रहे हैं बैठ के वहां पे? ब्लासमी लॉ है तो आप सब लोगों को अरेस्ट करना चाहिए क्योंकि आप लोग सब लोग ब्लासमी कर रहे हो वहां बैठ के, है ना, अकॉर्डिंग टू जिहादीस, राइट। सो अगर आप ब्लासमी लॉ रखते हैं तो देयर यू गो, थाउजेंड्स में जाकर लोगों पे वो होंगी, ठीक है। अगर आप ब्लासमी लॉ हटा लेते हैं, अगर आप हटा लेते हैं तो वही थाउजेंड्स ऑफ लोगों को फिर ट्रैक किया जाएगा और फिर उनके ऊपर हमले होंगे। तो you're damned if you do, you're damned if you don't। समझ में आई ना आपको? So this is where we are standing right now। और अगर आप मुझको क्या है, मैं मेरे कहने से क्या होता है, राइट? मैं बोलूं या ना बोलूं उससे कुछ नहीं होता है। हाय रे, हाउ आर यू? तो खैर मानसी जी, हाउ आर यू? अच्छा, यहाँ पे किसी ने अगर बात करनी है तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। हमारे पास मोहसिन जी आए हैं। जी मोहसिन जी, क्या कहना चाहेंगे आप? आप म्यूट पे हैं। हमारे पास मोहसिन अली आए हैं मगर वो बात नहीं कर रहे हैं। आप ये बताओ, पूरा वार्ड मुस्लिमों से, पूरा वर्ल्ड मुस्लिमों से क्यों परेशान है? वो तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ ना। तेरे चैनल्स के व्यूज नहीं है तो भाई, जो सेंसिबल लोग होते हैं उनको लोग नहीं सुनते ना, जो सेंसिबल लोग होते हैं ना उनको कम लोग सुनते हैं। जी जी मैम, ही इज उमेश खोली। मैंने कोई गलत नाम लिखा है क्या? मैंने उमेश खोली ही लिखा था। आई एम प्रीटी श्योर दैट्स द नेम आई पुट ऑन देयर। मोहसिन जी, आवाज आ रही है आपको कि नहीं आ रही है? ओ ओके, नहीं मैंने गलत लिखा है, मैं वो ठीक कर दूंगी बाद में। आई हैव टू, अभी एडिट नहीं होगा। आई डोंट थिंक it won't let me edit it। मोहसिन जी आ गए हैं यहाँ पर, बात कर नहीं रहे हैं यार, क्या हो गया ये? Shoot, why is this not letting me do this? Okay, ये मुझे आवाज नहीं आ रही है। हेलो उमेश जी, हेलो आई मीन मोहसिन, दिमाग मेरा भी आउट हुआ है। जी मोहसिन जी बोले, कुछ बोले। अच्छा एनीवेज, डिस्कनेक्ट हो गए। तो ये जो है ये सिलसिला तब से चल रहा है, एक महीने से। आई डोंट इवन नो कि कितने लोगों की जाने जा चुकी है। मुझे किसी ने कहा था कि किसी तीसरे बंदे का भी कत्ल हुआ है। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। अगर आपके पास इंफॉर्मेशन है तो आप मुझको बताइएगा। उसके साथ साथ एक और न्यूज आई जहाँ पर एक 13 साल का बच्चा था जिसने मदरसे का बच्चा था, तो उसके मदरसे से कंप्लेन आई कि उस बच्चे को किसी ने पकड़ा और उसके कपड़े फाड़ दिए, और वो जो है साफ्रॉन जो रंग होता है उस वैसा कपड़ा पहना हुआ था या रुमाल पहना हुआ था, जो भी है, राइट। तो वो न्यूज आई, मेरे ख्याल से 3-4 दिन पहले की न्यूज है। और तो फिर उस पर जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो और सीसीटीवी का जो फुटेज है वो सामने आया, तो पता चला कि बच्चे ने अपने कपड़े खुद फाड़े थे, पेन से लेकर। आई डोंट नो हाउ ही डिड इट, बट और जब उससे पूछा गया कि आपने ये क्यों किया, तो उसने कहा कि आई वॉज फीलिंग वेरी लोनली, और यानी आई थिंक उसने यही कोई एक्सक्यूज दी थी इस पे। सो 13 साल का बच्चा, उसके अंदर ये चीज कहाँ से आई है? यानी क्या ये एक पॉपुलर होने की चीज बन गई है? दिस इज लाइक द न्यू पॉपुलर थिंग कि आप रिलीजियस हेट क्राइम्स दिखाएं एंड यू आर गोना गेट पॉपुलर ओवरनाइट ओवर द इंटरनेट। ये क्या फेमस होने की बात बन गई है? आई डोंट अंडरस्टैंड। इसी तरह से यहाँ पर भी एक फेक इंसिडेंट हुआ था जहाँ पर बंदी ने कहा था कि मेरा हिजाब किसी ने खींचा है, और वो चाइनीज एशियन बंदा है कोई जिसने मेरा हिजाब खींचा है। इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि ऐसा कुछ था ही नहीं, और उस लड़की ने भी यही बहाना बनाया कि मैं अपने पता नहीं पेरेंट्स से कुछ हो गया था, लेट हो गई थी, पता नहीं कुछ ऐसी बात की, रफा दफा कर दी। और उसके बाद हमने कुछ सुना भी नहीं क्या हुआ उसका, यू नो। हालांकि पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई थी, हमारा प्राइम मिनिस्टर भी आ गया था। सो यू नो, किस चीज़ पे आप बिलीव करोगे आप? मैंने ये क्वेश्चन किया था कि भाई वो सीसीटीवी फुटेज कहाँ है, वो क्यों नहीं पुलिस ने रिलीज किया? तो आई गेस दे हैव देयर रीजंस। मगर ये न्यूज़ पहले मैंने नहीं मानी थी, मगर मैंने फिर जाके थोड़ी रिसर्च की है तो पुलिस वालों ने ही ट्वीट किया है कि दिस वाज अ फेक न्यूज़, दिस वाज समथिंग दैट वाज क्रिएटेड। सो मोर देन 12 केसेस मैम ऑन रिकॉर्ड लास्ट 3 months, डिफरेंट एरिया डिफरेंट मॉडल्स। सो अब होगा क्या? और उसके साथ साथ जो आपके सुप्रीम कोर्ट के एक जज हैं, उन्होंने एक कमेंट दिया कि ये सारा जो अनरेस्ट, सारा का सारा जो ये किस्सा चल रहा है, उसकी कसूरवार नूपुर शर्मा है। सो आई डोंट नो, मुझे तो ये पता था कि भाई जजेस, लॉयर्स, ये लोग कोई ऐसी जजमेंट आप पास नहीं कर सकते हो अंटिल प्रूवन गिल्टी, right? You're innocent until proven guilty in the court of law, right? ये था, मुझे तो यही लग रहा था कि भाई यही है, मगर आजकल ये नहीं है। आजकल आपकी जजमेंट होती है ऑन दी इंटरनेट, सोशल मीडिया पे। ये जजेस भी यही हैं, लॉयर्स भी यही हैं, और क्या कहते हैं सारी आपको यहीं पे आपको रिजल्ट दे देते हैं, यहीं पे सुना देते हैं। सुनवाई आपकी यहीं होती है और आपको यहीं पे क्रिमिनल मान लिया जाता है, whatever the case might be, right? So I found it very strange कि इन्होंने इस तरीके से कमेंट दिया और सुप्रीम कोर्ट ऐसा कमेंट दे रही है। बट आई डोंट नो उसके पीछे क्या मसलेहत हो सकती है। मैं तो यही समझती हूँ हर चीज के पीछे कोई ना कोई मसलेहत ही होती है, right? मसलेहत मीनिंग कोई ना कोई उसके पीछे मोटिव है, कोई ना कोई चीज सोच के ही किया, और अगर ऐसी बगैर सोचे ऐसे कॉमेंट कर दिया है तो आप आई डोंट नो भैया फिर क्या हो रहा है। थैंक यू बरजिंदर। वो कांग्रेस का था तो हु नोज। अच्छा, तो वो कांग्रेस का था, तो जिस बंदे ने जो कन्हैया लाल के जो मर्डर थे उनमें से जो एक था, रियाज नाम है मेरे ख्याल से उसका, रियाज मोहम्मद नाम है उसका, हाँ। तो उसने उसकी तस्वीरें उठाई जा रही हैं और कहा ये जा रहा है कि ये बीजेपी के चंद जो मुस्लिम विंग है उसके कोई जानने वालों के साथ उसकी तस्वीरें निकली हैं, तो लोग कह रहे हैं कि ये तो बीजेपी का ही बंदा है क्योंकि वो काफी सारे बीजेपी के इवेंट्स में आया, इवेंट्स में देखा गया है। तो अब कांग्रेस उसको टर्न अराउंड करके कह रही भाई ये तो आप ही का बंदा है जिसने ये करा है। क्या ये लोग खुद करवा रहे हैं ये हरकतें? कैन इट बी? आई डोंट नो, हमें क्या पता भाई। इंडियन मूवीज में यही दिखाते हैं, खुद ही गुंडागर्दी करवाते हैं, खुद ही दहशत फैलाते हैं और फिर बाद में दूसरी पार्टी पे ब्लेम लगा देते हैं, राइट? तो आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, मैं वो बता रही हूँ आपको जो मैंने सुना है। अच्छा, तो और पहली हमारी सुपर चैट आई, थैंक यू। आप ब्लास्फेमी लॉज खत्म करने की बात कर रही हो, यहाँ सुप्रीम कोर्ट के भी जज ने इंटरनेट को रेगुलेट करने का बोला आउटरीच के बाद। यार दैट्स रिडिकुलस, मगर थैंक यू सो मच लिंकन, थैंक यू सो मच यार, ये तो हद है। मगर बात वही है ना कि हर जगह अगर आप देखा जाए, आई डोंट, यूएस में भी हो रहा है ये, मगर यूएस हैज देयर फर्स्ट अमेंडमेंट राइट, फ्रीडम ऑफ स्पीच, सो वो उसके लिए लड़ेंगे और वो इसी वजह से अपनी गन्स नहीं देते हैं। वो क्यों नहीं देते हैं अपनी गन्स? लोग हमेशा आके गन वायलेंस हो रहा है, और बहुत सारे यहाँ पर भी देसी जो हमारे बैठे हैं पाकिस्तानी इंडियंस, वो कहते हैं गन्स ले लेनी चाहिए, गन्स ही होता है। भाई साहब, जिसने क्राइम करना है ना, उसने लीगल गन नहीं यूज करनी है, ये बात याद रखो। आप जितनी भी गन्स उठा के रख लो, जो लीगल लोग अपने घरों में प्रोटेक्शन के लिए रख के बैठे हैं ना, उनसे गन्स ले लें आप उनसे गन्स। मगर जिसने चोरी करनी है ना, जिसने जाके किसी को मारना है, वो इलीगली गन यूज कर लेगा, उसको लीगल की जरूरत ही नहीं है। उसने जब जाके काम ही इलीगल करना है तो वो लीगल गन यूज क्यों करेगा, है ना? तो ये तो बेकार है। मगर हाँ, ये हो सकता है कि भाई अगर आपकी गवर्नमेंट एक नंबर की कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बन जाए, टायरेंट बन जाए, तो फिर आप अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे? और ये सारा जो एजेंडा चल रहा है ना कि पहले इनसे हथियार ले लो, इनको बिल्कुल डिसआर्म कर दो, फिर इनकी प्रॉपर्टीज भी ले लो, सब कुछ। और ये बात तो हो चुकी है कि यू विल ओन नथिंग एंड यू विल बी हैप्पी। तो हम खुद, मैं तो कनाडा में बैठ के मुझे पता है कि हम किस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता करके कम्युनिज्म की तरफ जा रहे हैं। हमारा इंटरनेट भी रेगुलेट करने के लिए यहाँ पे बिल C-11 को पास किया जा रहा है। तो ये नैरेटिव अगर आप देखो तो इट इज नॉट ओनली इन इंडिया। ये जो लेफ्टिस्ट नैरेटिव चल रहा है, इट हैज बीन गोइंग ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम, और ये चल रहा है सारे मुल्कों में। यूके में देखें तो वहां पे चल रहा है, यहाँ देखें तो यहाँ भी चल रहा है, यूएस में भी चलाने की कोशिश कर रहे हैं, बट यूएस इज अ लिटिल डिफरेंट देन यूरोपियन कंट्रीज, ठीक है ना? सो दैट इज, अगर आप देखें तो ऑस्ट्रेलिया में भी ये पूरी दुनिया में चल रहा है नैरेटिव, पूरी दुनिया में। और पूरी दुनिया की जो दूसरी साइड की पार्टीज, ऑब्वियसली द राइट विंग, द वाइट सुप्रेमिस्ट्स, जिनकी स्पेस में कल मैं बैठी हुई थी। मैं काफी गोरों की स्पेसेस में जाती हूँ जो अपने आप को पेट्रियट बोलते हैं। वो ये नहीं बोलते कि हम नेशनलिस्ट हैं, वो कहते हैं हम पेट्रियट्स हैं, हम अपने मुल्क से प्यार करते हैं। जैसे मैं भी अपने मुल्क से प्यार करती हूँ, कनाडा से, यू नो। अब वो अलग बात है कि कनाडा जो है वो कम्युनिज्म की तरफ जा रहा है, विच आई डोंट वांट इट टू गो, तो इसकी वजह से हम यहाँ पे बात करते हैं। सो दिस होल एजेंडा इज गोइंग ऑन एंड इट इज गोइंग टू टेक टाइम, क्योंकि ब्रेन वॉशिंग इतनी कर दी है हमारे यूथ की। ये आज से नहीं चल रहा है, ये यानी 30-40 साल 50 साल से ये चीज चल रही है। जनरेशंस टू जनरेशंस उनको बुक्स ऐसी पढ़ाई गई हैं, उनकी पूरी ब्रेन वॉशिंग की गई है स्कूलों में ये लेफ्टिस्ट एजेंडा फैलाने के लिए। तो पीपल आर लाइक दिस, यू नो, वो निकल के आएंगे, वो उसी चीज पे करेंगे। एंड दिस इज गोइंग ऑन, यू नो, यू ओन नथिंग, बी हैप्पी, दिस इज वर्ल्ड ऑर्डर इम्प्लीमेंटिंग सून, वन वर्ल्ड गवर्नमेंट, ऑल इज वेल। सो देखते हैं, क्योंकि भाई वन वर्ल्ड ऑर्डर तो मैं अपनी टिन हैट नहीं पहनी आज। मैंने एक्चुअली एक दिन ना एक शॉट टिन हैट पहन के करना है, क्योंकि वही चीज जो कंस्पिरेसीज बोली जा रही थी, तो वो कंस्पिरेसीज आजकल जो है बड़ी ट्रू हो जाती है। और पता है उसके लिए किसका ट्रेंड चल रहा होता है? उसपे क्या नाम था उसका, एलेक्स जोन्स वॉज राइट, ये ट्रेंड चल रहा होता है, क्योंकि एलेक्स जोन्स को भी तो हटा दिया ना उसपे से। आई एग्री, उसने बहुत सारी चीजें गलत भी की हैं, मगर उसने बहुत सारी चीजें ऐसी बोली हैं दैट वी कैन सी इट कमिंग ट्रू, राइट? सो मुझे आजकल तो मुझे किसी चीज पे भरोसा नहीं होता है, टू बी ऑनेस्ट। आई विल टेल यू कि मुझे किसी चीज पे, किसी बंदे पे नहीं भरोसा है कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, यू नो। इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस काम को आगे बढ़ाने और अवेयरनेस फैलाने के लिए मुझे आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। आप पेट्रियन, ओनली फैंस या सिंपली पेपैल के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखती है।